हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवम ओझा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में मैं आपको बजाज एवेंजर 220 क्रूज के वॉक अराउंड स्पेसिफिकेशंस, प्राइसिंग और एवरेज के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर कलर की बात करें तो ये बाइक टू कलर्स में अवेलेबल है। आप मेरे सामने व्हाइट कलर देख सकते हैं, दूसरा ये बाइक ब्लैक कलर में अवेलेबल है। और अगर हम इसके वेट की बात करें तो ये बाइक 163 केजीज की आती है एंड इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 169 mm का आता है। अगर आपको क्रूज बाइक्स पसंद है और आप कंफर्ट देख रहे हैं तो कम प्राइस में आपके लिए बहुत अच्छी बाइक होगी। और अगर आप इस बाइक के फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट से ये कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पे आपको साइड मिरर्स में भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा। इस बाइक में कमाल की क्रोम फिनिशिंग की गई है। अगर इस बाइक के हम हेडलाइट्स की बात करें तो आपको हेलोजन हेडलाइट्स देखने को मिलते हैं। साइड इंडिकेटर्स आपको LED देखने को मिलेंगे। और अगर हम इस बाइक के टायर्स की बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक का ऑप्शन अवेलेबल है। एंड इस बाइक में आपको ट्यूबलेस टायर्स नहीं मिलेंगे, आपको इसमें सिर्फ ट्यूब वाले टायर्स देखने को मिलते हैं। अब आइए इस बाइक के राइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। राइड प्रोफाइल से ये बाइक कैसी दिखती है और क्या है इसके राइड प्रोफाइल के स्पेसिफिकेशंस। अगर हम इस बाइक को ऑन करके देखें तो आपको फ्रंट में कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ऊपर सबसे ऊपर आपको स्पीड देखने को मिलेगी एंड यहाँ पे आपको फ्यूल इकोनॉमी देखने को देख सकते हैं। एंड इस तरफ आपका ट्रिप मीटर है, कितनी ये बाइक चली है। उसके जस्ट नीचे टाइमिंग और यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर देखने को मिलता है। एंड इस तरफ आपको सर्विस रिमाइंडर देखने को मिलता है। टैंक की बात करें तो टैंक में भी आपको ऊपर क्रोम फिनिश देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको बजाज का लोगो है एंड ABS है, ABS लिखा हुआ देखने को मिलता है। ABS का मतलब होता है एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। अगर हम इसके टैंक साइज़ की बात करें तो टैंक में आपको क्रोम फिनिश में एवेंजर लिखा हुआ देखने को मिलेगा। एंड इसका 13 लीटर का टैंक स्पेस है जिसमें आपको रिजर्व टैंक कैपेसिटी है 3.7 लीटर की। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें आपको 220cc का ऑयल कूल्ड ट्विन स्पार्क DTSI 4 स्ट्रोक इंजन देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर है आपको साइलेंसर पे भी क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी। एंड ये है इस प्रोफाइल का, बाइक का राइट प्रोफाइल लुक। अगर हम इसको बैक से देखें तो बैक में आपको एक टेल लाइट देखने को मिलती है, LED टेल लाइट एंड LED टर्न सिग्नल्स। और अगर हम इसके लेफ्ट लुक की बात करें तो लेफ्ट से ये बाइक कुछ इस तरह दिखती है। पीछे आपको ट्यूबलेस टायर नहीं मिला है, पीछे भी आपको ट्यूब टायर का ही ऑप्शन अवेलेबल है। एंड पीछे आपको ड्रम ब्रेक्स देखने को मिलते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं गियर का ऑप्शन अवेलेबल है। ये 5-speed गियर बॉक्स के साथ आता है जिसमें पहला गियर नीचे है एंड बाकी के 4 गियर ऊपर लगते हैं। अगर हम इस बाइक के एवरेज की बात करें तो आपको 40 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देखने को मिलता है। और अगर हम इस बाइक के प्राइसिंग की बात करें तो आपको 1,58,639 रुपीज़ का इसका ऑन रोड प्राइस है। ये प्राइस है AS मोटर्स वडोदरा का। मैं इस शोरूम का एड्रेस, फ़ोन नंबर डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। प्राइसिंग में आपको 5 इयर्स का इंश्योरेंस कवर्ड होता है जिसमें 4 इयर्स का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर्ड है। एंड प्राइसिंग में आपको RTO भी कवर्ड है। सो 1,58,639 रुपीज़ पे करने के बाद ये बाइक आपकी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।